Hi everyone, welcome back to another vlog, another new day. I'm Adanis Vandagar and I hope you all are doing well. यार देखो आज का जो वीडियो है ना वो कुछ सिट एंड टॉक वीडियो रहेगा, प्रॉपर ब्लॉग नहीं रहेगा जैसे मैं बनाती हूँ. आज इंडिपेंडेंस डे है 15th of August, बट मैं आप लोगों को आज ऐसा विश नहीं करने वाली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सो हैप्पी हैप्पी इन्जॉय करते हैं, कहीं चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ये सब करते हैं, आज नहीं करने वाली हूँ. बिकॉज दिस इंडिपेंडेंस डे इज नॉट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर अस, फॉर मी, फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड फॉर अ वुमन स्पेसिफिकली. मेरी इन बातों से आप डेफिनेटली समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि टॉपिक एक्चुअली में बात करने लायक है. अभी करंट में कुछ हैं जो चाहते हैं कि ये टॉपिक नेशनल केस ना बने, ज़्यादा न्यूज़ में ना आए, बट छुपाने से भी नहीं छुपेगा जो कि हो ही रहा है. नाउ एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज़ अवेयर, दिस इज नथिंग लेस देन निर्भया कांड. इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, कुछ बातें आपके साथ शेयर करने से पहले, दो चार क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ देखिए. जिन क्लिप्स को देख के मुझे लिटरली ऐसा लगा ना कि हाउ अनसेफ वी आर. मैंने अपना पिछला जितना टाइम गया ना उस सब चीज़ को रिलेट कर दिया. आप वीडियो देखो कि बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है. हाथ जोड़ तेरे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ. हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपनी बिलक अपने गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया. जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है. चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आँखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया. क्यों गए अलविदा बोल. देखा ना ये वीडियो, ऐसा ही मेरे ब्लॉग में दिखा होगा, हर जगह यही चल रहा है, यही वीडियोस चल रही है. ये वीडियो देखने के बाद ना मैंने लिटरली ये सोचा कि कहाँ कहाँ मैं भी अनसेफ थी. हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते लेकिन इट इज़ एक्चुअली ट्रू. एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, मैंने 3-4 साल अपने एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में निकाले और काफ़ी साल अपने टीनेज के मैंने इवेंट बैकग्राउंड में निकाले जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, आए दिन नए नए लोगों से मिलना होता है. मैंने एक चीज़ फील करी कि यार मेरी मम्मी उस टाइम कैसा फील करती होगी. एक छोटा सा क्लिप देखो. नाइट शिफ्ट ही तो है माँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत करो, सुबह मिलते हैं. मैं भी अपनी मम्मी को यही कहती थी जाने से पहले कि बस इवेंट ही तो है, 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगा रात के, बस मम्मी मैच ही तो है, 2 दिन ही वहाँ पे मेरठ स्टे करना है या वहाँ है, पूरी टीम जा रही है, 10-12 लड़कियाँ साथ जा रही है, मम्मी कोच साथ में जा रहे हैं, सीनियर भैया लोग साथ में हैं, हम लोग सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या सच में सेफ है? नहीं यार, लकीली उस परसेंटेज में है जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अदरवाइज ये चीज़ मैंने बहुत बार फेस की है, बहुत क्लोज टू आगे भी फेस की है. मैं इस केस के, द कोलकाता रेप केस के बारे में बात नहीं करूँगी. मैं विक्टिम जो डॉक्टर थी जिनके साथ ये बीती है, द ब्रेव गर्ल, आई विल कॉल हर ब्रेव. ब्रेव मैं उन्हें क्यों बोल रही हूँ, ये नहीं कि वो बच गई हैं या उन्होंने अपने आप को बचा लिया है, नहीं. जिस हिसाब से वो अपने लिए लड़ी होंगी ना उस टाइम, जो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए फाइट की होगी, नोबडी कैन इमेजिन. दैट इज़ वाई फॉर मी शी इज़ द ब्रेवेस्ट. उनकी फैमिली के लिए वो रात सबसे बुरी रात होगी. मैं इस केस के बारे में डिटेल बात इसलिए नहीं करूँगी, ना ही मैं डॉक्टर का नाम लूँगी, ना ही उनके पेरेंट्स का नाम लूँगी, क्योंकि ये चीज़ डिस्कस करने में ऐसा फील हो रहा है ना कि एक ट्रॉमा सा फील हो रहा है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है. ठीक है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द केस, ये हुआ वो हुआ, हर न्यूज़ चैनल में है, आप लोगों को पता होगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किस हालत में वो थी. आप वीडियो भी देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन हम बस जस्टिस मांग सकते हैं, लिटरली भिखारियों की तरह जस्टिस मांग सकते हैं. लेकिन आपको पता है यहाँ जस्टिस कैसे मिलता है, एवरीबडी नोज इट. निर्भया कांड भी आप लोगों ने सुना ही होगा, उसका भी आपको रिजल्ट पता ही है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे जस्टिस दिलाया गया था, सारी चीज़ें. बस उस टाइम ये है कि हर घर माँ बाप ने हाथ जोड़े होंगे और ये बोला होगा कि कभी भी हमारी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, किसी की भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी की भी बेटियों के साथ ऐसा ना हो. लिटरली सबके पेरेंट्स ने दुआ मांगी होगी और साथ ही साथ ये कर दिया होगा कि बेटियों को यहाँ नहीं भेजना, बेटियों को वहाँ नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, रोक टोक लगा दी होगी. लेकिन रोक टोक भी किस पे लगी, हम पे, जबकि गलती हमारी नहीं थी,
बड़ी सच्चाई है इस सोसाइटी की। कपड़ों के बारे में बोल दिया जाता है, बिहेवियर के बारे में बोल दिया जाता है, जेस्टर के बारे में बोल दिया जाता है कि अरे ऐसे चलोगी तो लड़के अट्रैक्टिव होंगे, ऐसा कपड़ा पहनोगी तो कोई देखेगा ही। फिर तो सीधा सिंपली भी ये बोला जा सकता है कि भाई छोटे कपड़े पहनोगे तो रेप तो होगा ही, ये तो गलत चीज़ है ना। मेरे लोग कुछ लोग देखते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों के साथ ही मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी मदर ने मुझे सिखाया मेरे टीनेज टाइम पे जब मैं छोटी थी, ठीक है, और उस चीज़ ने मुझे कितना हेल्प किया है वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चाहूँगी कि अगर मेरी इन बातों को शेयर करने से आप कहीं भी इन्फ्लुएंस होते हो और अपनी डॉटर्स के साथ ये चीज़ शेयर करते हो, अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ ये शेयर करते हो, इवन अपने लड़कों सन जो लड़के हैं या फिर पोते हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करते हो, उन्हें समझाते हो, क्योंकि एजुकेशन घर से ही मिलता है, आप उन्हें एजुकेट करो इस चीज़ के लिए, दैट बी अ मोर सेफेस्ट थिंग फॉर अस। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों को ही ये चीज़ सिखाओ या लड़कियों को ही ये चीज़ एजुकेट करो, लड़कों को भी ये चीज़ सीखनी समझनी ज़रूरी है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस तरीके से बड़ा करा कि बाहर निकलो, हिम्मत करो, किसी से डरो मत। अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें गलत बोला जाएगा, अगर तुम सही हुए तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे चाहे लड़ाई फिर कैसी भी हो। ये चीज़ मेरे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है। आपको क्या लगता है कि जो हमें सुनने में केसेस आ जाते हैं, न्यूज़ में केसेस सुनने में आ जाते हैं, ऐसा छेड़छाड़ हुई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये वो है जो मेजर टीवी में आ गए हैं, आपकी नज़रों के आगे आ गए हैं। आई थिंक 90% ऑफ वुमेन हैज एक्सपीरियंस इन देयर एंटायर लाइफ वंस ट्वाइस बैड टच, एक गंदी नज़रों से देखना, खुल के नहीं बोल पाना, खुल के नहीं चल पाना, उन जगहों को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ हर एक लड़की ने फेस की होगी, मैंने भी की है। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपनी बातें बताऊंगी और खुल के आप लोगों के आगे बता रही हूँ, क्योंकि खुल के बात करनी चाहिए इस टॉपिक में। ये कोई गलत टॉपिक नहीं है जिसमें आप खुल के बात ना करो या खुल के ना बोलो, कि आप भी खुल के कॉमेंट सेक्शन में एटलीस्ट अपनी ऐसी कोई चीज़ शेयर करो जो आप आज तक ना अपने हस्बैंड, ना अपने भाई, ना अपनी मम्मा, ना आपने लाइफ में किसी से भी शेयर नहीं कर पाए हो, बट आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। हियर नोबडी नोज योर आइडेंटिटी, एटलीस्ट यहाँ पे आप खुल के बोल सकते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई हैव फेस दिस एंड आई वोंट लेट माय कमिंग जनरेशन टू फेस द सेम। तो आपको खुल के शेयर करना पड़ेगा, आज यहाँ पे खुलोगे, यहाँ पे लिखोगे खुल के, तो आगे बोल पाओगे। आपको पता है मैं 12 साल की थी शायद, और मेरे एक दूर के मामा भी क्या यार, पता नहीं वो आप तो आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना उसको तो इतने गाली देने का मन करता है, लिटरली बता रही हूँ, लेकिन वो था मामा वडेवर जो था बहुत दूर का, ही ट्राइड टू टच मी दैट एंटायर बैड टच जिसे आप कह सकते हो। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, लेकिन कहते हैं ना लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है, उनके अंदर उनके इंट्यूशंस बोलते हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। आई वॉज सो स्मॉल, आई वॉज आई थिंक 11 and 12, 11-12 साल की थी, एंड ही लिटरली ट्राइड टू हैव व्हाटएवर ही कैन, वी कैन कॉल इट सेक्सुअल असॉल्ट। आई स्टूड अप, मेरी नींद खुली, एंड आई फेल्ट लाइक कि मतलब आई फेल्ट लाइक कि कुछ गलत हो रहा है, एंड लिटरली मेरी नींद खुली, एंड आई रैन ओवर टू माई मॉम। आई वॉज दिस स्मॉल, मुझे एज एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई वॉज दिस स्मॉल कि मैं अपनी मम्मी को वो चीज़ बता नहीं पाई कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता था। एंड लकीली कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मेरे लिए लाइफ टाइम ट्रामा बन के रह जाता, उन 10% में निकली जो सेफ हो गई, बट वॉट इफ अगर मैं सेफ नहीं होती तो। वो इंसिडेंट हुआ, उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वो चीज़ क्या थी, उसको कैसे बोलना है या क्या कैसे करना है, वो एक मन में घबराहट रह गई, उस टाइम बाद मैं भूल गई। व्हेन आई वाज 15 मेरी मम्मी ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बैठ के ये चीज़ें समझाई कि अब आप बड़े हो रहे हो, आपको गुड टच बैड टच पता होना चाहिए। और उन्होंने हमें ये बात और समझाई कि बेटा मामा चाचा फूफा अंकल कोई भी हो, कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई वाई कोई भी नहीं, कभी तुम्हें लगे कि लिटरली मम्मी ने हमें ऐसे समझा के बता के ऐसे टच करके बताया कि ऐसा कोई करता है तो मुझे आके बताना है, कोई वैसा कुछ करता है तो आके मुझे बताना है, डरना नहीं है, कोई ये धमकाए हम तुम्हारी मम्मी को बोल देंगे ऐसा वैसा ये वो, तुम्हें कोई गलत, डरना नहीं है, इसमें तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते, हमेशा अपनी लाइफ में मुझे खुल के बताना। मतलब मेरी मम्मी वर्किंग वुमेन थी, शी यूज टू लॉक अस घर में तीनों भाई बहनों को, और जब वो आफ्टरनून में अपनी शिफ्ट खत्म करके आती थी तो तब हमें खोलती थी, और ये हमेशा सिखाती थी कि एक ही घर में छोटा सा कॉटी कीपैड वाला फ़ोन है, कुछ कोई भी आए पहले मुझे फ़ोन करना है कि आज ये लोग आए हैं वो लोग आए हैं, ऐसे करके फ़ोन करना है,
और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है, बोल देना है कि हमारे मम्मी पापा घर में नहीं है, हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते, ताला बंद है, ऐसे करके हमें मम्मी लिटरली सिखा के जाती थी। पता उसी तरह ने केस भी हुआ था ऐसा कि मेरे मामू के फ्रेंड घर आए, उन्होंने बेल बजाई, उन्होंने बोला बेटा मैं आपके मामा का फ्रेंड हूँ और ऐसे से, उन्होंने मामा नमस्ते लेकिन अभी ना हमारी मम्मी घर पे नहीं है, हमारे पास चाबी भी नहीं है, ऑल्दो चाबी हमारे पास थी, पर मम्मी चाबी दे के भी जाती थी लेकिन ये बोलती थी कि ये ही बोलना कि हमारे पास चाबी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि मामा मम्मी तो घर पे है नहीं तो अभी हम गेट नहीं खोल सकते, जब मम्मी आएगी तभी। मैंने लिटरली उन्हें एक घंटा घर के बाहर रखा और वो आज भी इस बात पे हंसते हैं जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, और मेरी मम्मी जब भी ये चीज़ याद करती है तो बहुत हंसती है, बोलती है कि तेरे अंदर शुरू से दिमाग इतना तेज था, अगर बच्चों को आप सिखा दो तो आप काफ़ी चीज़ों से उन बच्चों को सेव कर सकते हो। आफ्टर 16 मेरी स्पोर्ट्स लाइफ शुरू हुई, जहाँ पे सीनियर कोचेज मिले, सीनियर भैया लोग मिले, ये सब हुआ, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिली। तब तक थोड़े मैच्योर हो गए थे कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, लेकिन हमेशा हम पेरेंट्स को क्या लगा रहता था कि कॉल करके अच्छा अब कहाँ हो कहाँ हो। आपको पता है मुझे टूर्नामेंट्स में जाने की भी परमिशन कितनी मुश्किल से मिली, मेरे भाई को ज़बरदस्ती क्रिकेट अकेडमी में डाला कि जा खेल प्लेयर बन, और मुझे लिटरली वॉलीबॉल कोचिंग के लिए जाने के लिए वैसा हाथ जोड़ने पड़े, मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना, मुझे जाने दो, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, जस्ट बिकॉज वी आर गर्ल्स तो हमें हर चीज़ की परमिशन चाहिए। हमारे लिए हमेशा हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इन्हें इस चीज़ में भेजे या नहीं भेजे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब लड़कियों ने इतना हुआ है कि हमारे पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, अगर लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो अपनी जगह तो वो बिल्कुल ठीक है, वो क्यों ही हमें घर से बाहर भेजे, वो क्यों ही हमें घर से निकलने भी दे। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में गई, थोड़ी मैच्योर हो गई थी तो फिर वहाँ पे जाके ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि यार यहाँ पर तो ये सब भी होता है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए, घूर रहे हैं तो घूर ही जा रहे हैं, इवन कोचेज ही घूर रहे हैं, ऑल तो मैंने देखा नहीं, बट सुनने को ये भी आया कि आपको आगे बढ़ने का मौका ही तभी मिल रहा है जब आप किसी और को बेनिफिट्स दे रहे हो, उस चीज़ के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब इधर विद परमिशन और विदाउट परमिशन यू हैव टू गो थ्रू दिस लाइन, है ना, अदरवाइज अपनी फील्ड छोड़ दो, मत करो वो चीज़, बाहर आ जाओ। उसके बाद मैंने इवेंट्स वगैरह की जर्नी स्टार्ट करी, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखी, कई बार वैसे दो दो तीन तीन बजे इवेंट ख़त्म करके आ रही हूँ, मुझे तो ड्राइव आती थी, मैंने सीख ली थी बहुत जल्दी, जिसको नहीं आती थी उसका क्या, और कुछ ऐसा टाइम जब मैं ड्राइव नहीं करके आती थी अपनी स्कूटी में आती थी, हाउ अनसेफ आई वॉज, रातों में लिफ्ट में जाना, तब तो कोई नहीं होता था, तब मैं लिटरली अपनी मम्मी को ये बोलती थी अरे मम्मी इवेंट ही तो है जाने दो ना, इतनी परमिशन लेना, कितनी बार मम्मी भाई को भेज देती थी साथ में, यही लेने आएगा तुझे, इतनी रात में अकेले वापस नहीं आना। बट हमारे लिए ये फाउंडेशंस क्यों, हम क्यों नहीं उतना फ्रीली घूम सकते, हम क्यों नहीं फ्रीली इतना जा सकते, भाई जाएगा साथ में तभी जा सकते हो, बिकॉज दैट सेफ, अदरवाइज यू आर अनसेफ, है ना, यही तो इंडिपेंडेंस है जो हमें मिल रखी है, इतनी सी इंडिपेंडेंस, भाई साथ में है, पापा साथ में है, हस्बैंड साथ में है, कोई एक आदमी आपके साथ है तो आप सेफ हो, वरना आप अनसेफ हो। कपड़े भी देख के पहनने पड़ते हैं जगह के अकॉर्डिंग, अच्छा ये वाली जगह है, अच्छा यहाँ ये वाले कपड़े पहनो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ ठीक है जहाँ पे जैसे कपड़े पहनने चाहिए पहनो, बट ऐसा नहीं है कि फोर्स ही कर दो कि यही पहनो, बट इन सम पॉइंट आप ये भी तो देखो कि वो चीज़ गलत भी है। लड़कियाँ घर में शॉर्ट्स पहनती हैं तो उन्हें बोला जाता है शॉर्ट्स क्यों पहना है, घर में पापा है भैया है ये सब है, लड़कों को ये क्यों नहीं बोला जाता कि भाई बिना सैंडो के क्यों घूम रहा है, घर में बहन है बहू है बेटी है। एक करंट का भी केस आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ भी कभी कुछ हुआ हो तो डेफिनेटली शेयर करना मेरे साथ ये चीज़। मैं अपने घर से लोधी रोड से जड़ौदा तक आ रही हूँ एंड 3 times दिस हैपन्ड विद मी कि मेरे पीछे गाड़ी लगी है, मेरी गाड़ी को फॉलो किया है गाड़ी ने जिसमें 3 से 4 लड़के बैठे हैं। मैंने उस टाइम इतना ज़्यादा अनसेफ करा, उनमें से एक इंसिडेंट बता दूँ तो विच वॉज टू क्लोज दैट आई हैड टू आस्क निपुण कि आप बाहर आ जाओ। 9 बज जाते हैं मुझे दुकान से निकलते निकलते, यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे एटलीस्ट 10:30-11 बज जाते हैं, चाहे मैं कैसी भी गाड़ी चला के आऊँ। द्वारका मोड़ से मेरे पीछे एक वाइट कलर की स्विफ्ट लग जाती है और थैंकफुली मैं बहुत अटेंटिव रहती हूँ ड्यूरिंग ड्राइविंग कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ी लग रही है, मेरे अगल बगल से कौन जा रहा है, मेरे को बहुत जल्दी फील होता है चीज़ें कि कौन गलत नज़र से देख रहा है, कौन क्या करने वाला है, मतलब मेरे को आई डोंट नो ऐसा होता है आप लोग के साथ भी नहीं, बट मुझे बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाते हैं कि कुछ गलत है यहाँ आसपास। वो स्विफ्ट गाड़ी मेरे को फॉलो करती है, ओवरटेक करने की कोशिश करती है बार बार, लाउड म्यूजिक, ब्लैक विंडो। निपुण को उसी टाइम तुरंत मैसेज किया गाड़ी का नंबर, जैसे ही मैंने निपुण को गाड़ी का नंबर मैसेज किया, निपुण का बस कॉल आता है एंड ही सेड कि ये क्या किसका नंबर है। मैंने बोला कि ये गाड़ी मुझे द्वारका मोड़ से नंगली मेट्रो स्टेशन तक
अभी तक फॉलो कर रहे हैं और मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली, बहुत स्लो, कि ये गाड़ी आगे निकल जाए और मैं इन्हें डॉच कर दूं, मतलब वो निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊंगी। तेज करूं वो तेज करे, मैं स्लो करूं वो स्लो करे, कितना एविडेंट हो गया कि भाई ये बदतमीजी करने वाले हैं या इनके दिमाग में क्या है, अकेली गाड़ी में लड़की देख ली है तो वट एवर। गाड़ी के डोर्स लॉक, डिबू ने लिटरली मुझे कहा तू गाड़ी चला और इस गाड़ी को यहाँ तक आने दे, हमारे घर के बाहर तक, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली, वो नंगली मेट्रो स्टेशन पे दे वर वेटिंग फॉर मी, लेफ्ट पे गाड़ी रोक के मैंने फिर वो गाड़ी देखी क्योंकि मैं नंबर देख चुकी थी। उसके बाद तो मैंने अपनी गाड़ी की जो स्पीड बढ़ाई है ना, और मैंने निपुण को कॉल करा कि निपुण नाउ दे आर फॉलोइंग मी लाइक एनीथिंग, मुझे लगा था ये लोग बीच से कहीं चले गए हैं बट इन लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी लगाई हुई है। टच वुड, मैं तभी कहती हूँ लड़कियों को हर चीज़ सीखनी चाहिए, गाड़ी चलाना सीखो, स्कूटी चलाना सीखो, हर चीज़ सीखो, अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखो, ठीक है, और अटेंटिव रहो रस्तों में, चीज़ों पे ध्यान दो, अगल बगल में क्या हो रहा है, ये नहीं कि फ़ोन में लीड लगा के मस्त हो ये हो, मैं कभी फोन कानों में लीड नहीं लगाती अपने, कभी भी। अटेंटिव रहना इज द सेफेस्ट थिंग, मुझे डर लगता है, मैं डरती हूँ इसलिए चीज़ें अराउंड अराउंड देखती रहती हूँ क्या चल रहा है क्या हो रहा है, और उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ और वो चीज़ें मुझे कई बार बचा लेती है। मेरा फ़ोन चोरी होने से भी 2-3 बार ऐसे ही मैं बची हूँ कि मेरी जगह अगल बगल वाले इंसान का फ़ोन खींच के ले गए हैं बाइकर्स और जो स्कूटी चोर वाले होते हैं लोग। अगर वो डर आपको सेव करता है ना तो कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग जस्टिस मांग लेंगे, 1-2 महीने सब लोग हल्ला करेंगे, 1-2 साल हल्ला कर लेंगे फिर सब भूल जाएंगे, लेकिन आपका जो लाइफ का लॉस है ना वो एक ऐसी इररिप्लेसिबल चीज़ है ना जो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लव वंस के लिए, उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। करने वाले गलत काम चुटकियों में करके उनको क्या है, वो तो वैसे ही गलत है, उनको तो अगर जेल हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो बस गलत करना था। लेकिन जिसकी गलती नहीं है, जिसको भुगतना पड़ रहा है, जिसकी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, उनके लिए वो लाइफ टाइम का एक ऐसा वॉइड दिल में बन जाता है ना कि वो एक ऐसा जख्म हो जाता है ना कि वो कभी भी उस जख्म को कोई भी फिल नहीं कर सकता। आप सोचो उन डॉक्टर की फैमिली, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी अभी, सब लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सब लोग बाहर निकल रखे हैं, जस्टिस फॉर हर, जस्टिस, इवन आई वॉन्ट जस्टिस फॉर हर, बट वॉट जस्टिस इज, जस्टिस उनकी लाइफ तो वापस नहीं ला सकता, वो तो बेचारी अपनी ड्यूटी कर रही थी, शी वॉज, अच्छे कर्म भी ना काम नहीं आते। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको बेला वाले केस में, वो तो ऑलरेडी किसी की जान बचा रहे हैं, लाइफ सेव कर रहे हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं अपना, उन्हीं को उन्हीं के वर्क प्लेस में ये मिला है। तो यही कुछ इंसिडेंट थे, कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ बीता, जिनसे मैंने सीखा। ऑगस्ट 15 अगस्त है, कई लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा अच्छे से और कई लोगों ने नहीं भी किया होगा। और तो मेरे घर से ही मुझे कॉल आया था, मासी मामा के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बोले दीदी आ जाओ व्लॉग शूट करना, उनको पतंग वगैरह उड़ाएंगे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑल्सो 15 अगस्त वाले दिन ही मैंने अपना सबसे पहला व्लॉग डाला था, वो चीज़ भी दिमाग में थी, यानी मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही और ये सब कुछ करने का मन सा नहीं हुआ मेरा। ऐसा नहीं है इस केस की वजह से ही नहीं हुआ या मैं बहुत वो फील करी, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरे को बस एक चीज़ अपने उससे शेयर करनी थी। मैंने तभी उस केस के बारे में भी बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस केस के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन मैंने अपनी चीज़ शेयर करी तो वो था। मैं भी प्रेगनेंसी की वजह से भी मैं थोड़ा थक भी जाती हूँ आजकल, और यहाँ पे वैसे भी पर्टिकुलरली कुछ ऐसा सेलिब्रेट होता नहीं है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे में फैमिली गेटिंग टुगेदर और पतंग वतंग उड़ाना और ये सब, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट होता भी नहीं है। तभी मैं उस तरफ चली जाती हूँ, आप लोग कई बार पूछते भी हो कि वहीं पे क्यों जाती हूँ, वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं। तो ये वीडियो मैं अपना यहीं पे खत्म करती हूँ, बाय नॉट सेइंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिस टाइम, बट यस बाय विशिंग इंडिपेंडेंस फॉर ईच एंड एवरी वन, स्पेशली फॉर वुमेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड एनिमल्स टू।